नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश पांडे। आप देख रहे हैं हमारा चैनल MS टारगेट व्यू, जिसमें आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत का राजस्थान राज्य अपने ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ रहस्यमय घटनाओं एवं तिलस्मी शक्तियों का गढ़ भी माना जाता है। यहाँ आज भी कई ऐसे पुरा स्थल मौजूद हैं जहाँ शाम के वक्त रूहानी ताकतें वास करती हैं, जिनके सामने विज्ञान भी हार मान चुका है। यहाँ के खंडहर नुमा किले एवं गहरी बावड़ियों के अंदर कई बड़े राज छुपे हुए हैं, जिनके बारे में स्टीक से किसी को कुछ भी पता नहीं है। यहाँ मौजूद भानगढ़ जैसे किलों की पड़ताल खुद मीडिया भी कर चुका है, और गौर करने वाली बात तो यह है कि मीडिया खुद इस बात की पुष्टि करता है कि यहाँ सच में उद्दस्य शक्तियों का निवास है, जो नहीं चाहती हैं कि यहाँ कोई आए। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानिए राजस्थान के किलों से दूर एक ऐसे रहस्यमयी गांव के बारे में जहां चलती है सिर्फ शैतानी हुकूमत। दोस्तों, यह कहानी जैसलमेर स्थित कुलधरा गांव की है, जो लगभग 170 सालों रूहानी ताकतों के कब्जे में है, जहां शाम के समय परिंदों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। वीरान पड़ा यह कुलधरा गाँव आज भारत के चुनिंदा पैरानॉर्मल साइट्स में गिना जाता है। भूतिया गांव के नाम से मशहूर इस कुलधरा गांव को देखने रोज़ाना कई पर्यटक आते हैं, जिनमें से कई लोगों ने यहां अदृश्य शक्तियां होने का दावा किया है। यह गांव जैसलमेर से 18 किमी दूर स्थित है। दोस्तों, स्थानीय लोग की माने तो कुलधरा एक श्रापित गांव है, जहां कभी पालीवाल ब्राह्मणों के कई परिवार रहते थे, पर एक घटना के चलते इस गांव को रातों रात यहां के ब्राह्मणों ने खाली कर दिया और जाते जाते यह श्राप दिया कि यह गांव कभी आबाद नहीं हो पाएगा। तब से लेकर आज तक यह गांव वीरान पड़ा है। यह गांव अब पूरी तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है, जिसके घर अब कुछ और कहानी बयां करते हैं। दोस्तों, कुलधरा गाँव कभी एक हंसता खेलता गाँव हुआ करता था, जहाँ कि पालीवाल लोग काफ़ी मेहनती और रईस हुआ करते थे। कहा जाता है कि यहाँ करीब 600 घर मौजूद थे। बड़े ही वैज्ञानिक तरीकों से भवनों का निर्माण किया गया था। ईंट पत्थरों के द्वारा बनाए गए इन घरों के दीवारों में काफ़ी ठंडक हुआ करती थी, जो तेज़ गर्मी में भी वातानुकूलन का एहसास देती थी। घरों की दिशा कुछ ऐसी होती थी कि हवा सीधे अंदर तक जाती थी। घरों के अंदर पानी के कुंड होने का भी प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, पालीवाल ब्राह्मणों के कौशल इस बात से पता चलता है कि उन्होंने अपनी मेहनत और लगन से रेगिस्तान की बंजर जमी को हरा भरा कर दिया था। रेगिस्तान में खेती सोचना ही अचरज भरा लगता है। पालीवाल अपनी मेहनत से दिन प्रतिदिन तरक्की करते चले गए, जिसके कारण कुलधरा एक समृद्ध गाँव बन गया। खेतों एवं जलाशयों का निर्माण किया गया, जिसके कारण यहां मवेशियों की संख्या में भी इजाफा हुआ। अपनी वैज्ञानिक तकनीक के बल पर गांव वालों ने वर्षा के जल को भी संचित करना शुरू कर दिया। इस गांव के वीरान होने के पीछे अयास दीवान सालम सिंह का हाथ बताया जाता है, जिसकी गंदी नज़र गाँव की किसी ब्राह्मण कन्या पर पड़ गई। उस खूबसूरत लड़की के पीछे सालम सिंह इस कदर पागल हुआ कि उसे हर हाल में पाना चाहता था। उसने लड़की को पाने के लिए ब्राह्मणों पर दबाव बनाना शुरू किया, यहाँ तक कि उसने लड़की को उठा ले जाने की धमकी दे दी। गांव की बेटी की लाज बचाने के लिए ब्राह्मणों ने गांव छोड़ने का एक बड़ा निर्णय लिया। रातों रात कुलधरा खाली हो गया, लेकिन जाते जाते परिवारों ने एक श्राप दे दिया कि यह गाँव कभी भी आबाद नहीं हो पाएगा। कहा जाता है कि इस पर गांव पर अब रूहानी ताकतों का साया है। खंडहर में तब्दील यहां एक भवन अब रहस्यमय ताकतों का अड्डा बन चुका है। हालांकि यह जगह एक पर्यटक भी बन चुका है, लेकिन यहां शाम का मंजर कुछ और ही होता है। कुलधरा घूमने आए बहुत से पर्यटकों का मानना है यहां ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है, बाजारों की चहल पहल आवाज़ें आती है, साथ ही चूड़ियों एवं पायलों की आवाज़ सुनाई देती है, जो इस जगह को काफ़ी भयावह बनाकर रखती है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यहां एक फाटक बनवाया गया है, जिसके पार जाने की किसी को इजाज़त नहीं होती है। रात में इस फाटक को पार करना
मतलब मौत का दावत देना होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों राजस्थान की कुलधरा गांव की ये जानकारी आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।